जो डाटा रिसर्च के लिए कलेक्ट किया जाए वो प्रोसेस सैंपलिंग होता है। और कौन? पूरे पॉपुलेशन पे स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो सैंपल क्या है? इट इज अ स्मॉलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन। सैंपल की जरूरत हमें इसलिए होती है क्योंकि ये जैसा आपको बताया कि अरे टोटल पॉपुलेशन के यूनिट हम अब स्टडी पे काम कर लेते हैं, सिर्फ कि कम टू कंडक्ट एनी स्टडी सपोज रूरल वुमेन हेल्प। तो कितनी सारी रूरल महिलाएं होगी समझ लीजिए, सपोज कि 10 तार पे तो सब नहीं है, तो हम 10 हम इस क्या कर हम 1000 की का पॉपुलेशन नहीं है क्योंकि पूरे स्टडी कंडक्ट करना का असंभव। जब हम काम करते हैं रिसर्च पेपर पर जाता कम जस्ट ये और नंबर जो है वो पॉपुलेशन होता है। Events in which one is interested. So, population जो है हमारे study से related होता है और study की जो requirement है जो nature है उसके आधार पर हमारा population भी differ होता है। तो हमारा population आपकी nature and type of study पे depend करता है। अगर आप rural women पर करना चाहते हैं तो आपका population rural women होगा। अगर आप बच्चों पे कुछ intervention studies करना चाहते हैं suppose जो एंटी सोशल या कुछ ड्रग अब्यूज के जो एडोलेसेंट्स हैं उसमें आपका सैंपल वो होगा। तो पॉपुलेशन डिफर करता है नेचर और टाइप से। तो जैसा हमने बताया कि सैंपलिंग के एडवांटेज है, कॉस्ट लोअर है, डेटा कलेक्शन फास्टर होता है और चूंकि डेटा सेट छोटा होता है तो हम ये मान लेते हैं कि हमारा एक्यूरेसी और क्वालिटी ऑफ डेटा अच्छा होगा। So these are the main steps of sampling. सबसे पहले हम target population को define करते हैं, फिर उसमें से sampling frame को select करते हैं, फिर field work conduct करते हैं, data collection करते हैं और ये सारे के पीछे हम data ये ज्ञात कर लेते हैं कि हमको probability method से करना है sampling या non probability method से करना है। आगे हम लोग देखेंगे कि probability और non probability methods क्या होते हैं। प्लान प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन हमें कैसे सेलेक्ट करना है, हमारे सैंपलिंग यूनिट क्या होगी, कितनी होगी, सैंपल का साइज कितना होगा और सेलेक्ट एक्चुअल सैंपलिंग यूनिट उसमें से कितना हमने चुना है। तो पॉपुलेशन इंटायर सेट ऑफ इंडिविजुअल्स, इंटायर सेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स जो भी जिसको अध्ययन करने में रिसर्चर की रुचि है। अब जैसा कि हमने बताया कि पॉपुलेशन जो है फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। फाइनाइट पॉपुलेशन वो है जहाँ हम मेंबर्स को काउंट कर सकते हैं कि उसमें कितने मेंबर्स हैं उस पॉपुलेशन में, उसको हम गिनती कर सकते हैं। लेकिन इनफाइनाइट पॉपुलेशन में क्या है, हूज साइज इज अनलिमिटेड एंड देयरफॉर इट्स मेंबर्स कैन नॉट बी काउंटेड। अगर आपको ये कहा जाए कि आसमान में कितने तारे हैं तो आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं, इनफाइनाइट पॉपुलेशन। इसी तरह से एक पॉन्ड में या एक रिवर में कितनी मछलियां यू कैन नॉट काउंट। तो बहुत बार पॉपुलेशन को जब हम काउंट नहीं कर सकते हैं तो उसको जो है इनफाइनाइट पॉपुलेशन कहा जाता है। इसी से कोई रेडियो एफएम पे कोई प्रोग्राम है उसके कितने लिसनर्स हैं यू आर नॉट नो, द नंबर इज नॉट नो। तो ये जो है इनफाइनाइट पॉपुलेशन है।
तो फाइनाइट पॉपुलेशन जो जिसको कि हम काउंट कर सकते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी टीचर्स जो है पूरे बनारस में कितने हैं काउंट किए जा सकते हैं, सिटी की पॉपुलेशन कितनी है काउंट की जा सकती है, किसी भी फैक्ट्री में कितने नंबर ऑफ वर्कर्स हैं काउंट किए जा सकते हैं, लेकिन किसी प्रोग्राम को कितने लोग सुनते हैं ये काउंट नहीं किया जा सकता। इसी तरह से एक रिवर में कितनी मछलियां हैं जिसको कि हम काउंट नहीं कर सकते, आसमान में कितने तारे हैं काउंट नहीं कर सकते। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इनफाइनाइट पॉपुलेशन। तो हम लोग जो भी स्टडी करते हैं वी आर कंसर्न विद फाइनाइट पॉपुलेशन जिसको कि हम काउंट कर सकते हैं। पॉपुलेशन के लिए जो भी स्टैटिस्टिक्स होती है उसको हम पैरामीटर कहते हैं। पॉपुलेशन के मीन और पॉपुलेशन का एसडी इसको हम लोग कहते हैं कि पैरामीटर। और जो सैंपल का मीन है जो जो स्टैटिस्टिक्स हमको जो हमें सैंपल से इंफॉर्मेशन मिलती है उसको हम स्टैटिस्टिक कहते हैं या एस नहीं लगा है। तो पॉपुलेशन का मीन और पॉपुलेशन का एसडी पैरामीटर है। सैंपल से जो हमें मीन एस डी या जो को भी आप इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग कहते हैं स्टैटिस्टिक, यहाँ एस नहीं लगेगा। दीज आर द फोर मेन स्टेप्स ऑफ सैंपलिंग। ये थियोरेटिकल पॉपुलेशन है जिनके बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट्स देना है, लेकिन थ्योरेटिकल पॉपुलेशन में से कितने पॉपुलेशन आपको एक्सेस हो सकते हैं वो आपका स्टडी पॉपुलेशन या टारगेट पॉपुलेशन हुआ। तो टारगेट पॉपुलेशन इसमें से थ्योरेटिकल पॉपुलेशन का एक पोर्शन होता है, उसमें से हम सैम्पलिंग फ्रेम बनाते हैं, उनकी लिस्टिंग करते हैं और उसमें से कितने हमारे अंतिम में स्टडी में रहेंगे वो सैंपल होता है। तो टारगेट पॉपुलेशन जो है इज द ग्रुप डिफाइंड बाय रिसर्चर्स स्पेसिफिक इंटरेस्ट। इंडिविजुअल्स इन अ टारगेट पॉपुलेशन जो है टिपिकली शेयर वन कैरेक्टरिस्टिक। तो जो टारगेट पॉपुलेशन में जो विशेषता होती है वो सारे पार्टिसिपेंट शेयर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है चिल्ड्रन ऑफ डाइवोर्स पेरेंट्स, सॉरी एलिमेंट्री स्कूल एज चिल्ड्रन हुआ, एडोलेसेंट डायग्नोज विद सम मेंटल डिसऑर्डर हुआ, ठीक है, यूनिवर्सिटी टीचर्स हुआ। तो ये आपके टारगेट पॉपुलेशन है। तो टारगेट पॉपुलेशन का मतलब जो एक्सेसिबल है, जो रिसर्चर के इंटरेस्ट है, तो हम इसी टारगेट पॉपुलेशन से हम अपना सैंपल कलेक्ट करते हैं। टारगेट पॉपुलेशन जब मिल जाती है तो उसके लिए हम उसकी लिस्टिंग करते हैं, सैम्पलिंग फ्रेम बनाते हैं। हमको याद है कि यहाँ पे हमने एक प्रोजेक्ट किया था बायो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में जूलॉजी में, तो उसमें हम लोगों का काम सैम्पलिंग फ्रेम भी बनाना था। कितनी साइंस जो साइंस की जो टीचर्स हैं वो मतलब साइंस की जो पीजी ऑनवर्ड्स पढ़ाती हैं चाहे कॉलेज में चाहे यूनिवर्सिटी में, तो उसको हम लोगों ने सिटी वाइज किया था। हमने ग्वालियर में पूरा किया था, जितने इंस्टीट्यूट्स थे सब में विजिट करके उनसे उनका जो रिकॉर्ड है पूरा मांग करके उसको कंपाइल करके सोर्सेज हम लोगों ने बनाई थी। तो जो टारगेट पॉपुलेशन है उसका लिस्ट बनाया जाता है सैंपल, उसको हम लोग सैंपलिंग फ्रेम कहते हैं। तो इफ सोर्स लिस्ट इज नॉट अवेलेबल रिसर्चर्स हैज टू प्रिपेयर इट। बहुत बार हमको बनी बनाई लिस्ट मिल जाती है सब जगह से कलेक्ट, लेकिन अगर बनी बनाई नहीं मिल पा रही है तो रिसर्चर उसको बनाता है। सच अ लिस्ट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव करेक्ट रिलायबल एंड एप्रोप्रिएट। ये एकदम एप्रोप्रिएटली प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। तो और इसलिए सैम्पलिंग फ्रेम का जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि हम वी कैन आइडेंटिफाई एवरी सिंगल एलिमेंट एंड इंक्लूड एनी इन आवर सैम्पल। इसके लिए हम इलेक्टोरल रजिस्टर देख सकते हैं, टेलीफोन डायरेक्टरी का यूज कर सकते हैं ताकि हमको जो है सब जानकारी हो सके। जब ओपिनियन पोल होता है इलेक्शन में क्या होता है, तो जो भी जितने भी जैसे भी होता है तो सैम्पलिंग फ्रेम इसी तरह से मतलब प्रिपेयर किया जाता है। तो टारगेट पॉपुलेशन क्या हुई, एंटायर सेट ऑफ द इंडिविजुअल्स हु हैव कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड बाय द रिसर्चर। उसमें से हम लोग एक्सेसिबल पॉपुलेशन ले रहे हैं कि
जो इंडिविजुअल्स एक्सेसिबल है जिनको रिक्रूट कर सकते हैं एज पार्टिसिपेंट्स में, हो सकता है टारगेट पॉपुलेशन के सारे इंडिविजुअल्स आपको ना मिले, तो टारगेट पॉपुलेशन इतनी बड़ी होती है और उसका एक पोर्शन एक्सेसिबल पॉपुलेशन वो भी इतना बड़ा होता है, तो उसमें से हम सैंपल निकालते हैं। तो टारगेट पॉपुलेशन इज द टोटल पॉपुलेशन जिसके बारे में रिसर्चर स्टडी करना चाहता है, उसमें से एक्सेसिबल पॉपुलेशन जो हुई कि जो मौजूद है जिनको आप अपने अपने स्टडी में सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसमें से जो फाइनल पार्टिसिपेंट्स जिनका सिलेक्शन हुआ वो सैंपल होते हैं। सो सैंपल कंप्राइजेस द इंडिविजुअल्स हु आर सिलेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन द स्टडी। इतना चीज समझ में आया कि नहीं? यस सर। का एक पोर्शन उन इंडिविजुअल्स का है जो कि एक्सेसिबल है जिनको रिक्रूट किया जा सकता है एज पार्टिसिपेंट्स इन द स्टडी। जैसे आप सपोज रूरल मेंटल हेल्थ पे करना चाह रहे हैं, हो सकता है आपको सैंपलिंग आपको आपकी टारगेट पॉपुलेशन मिल गई, लेकिन हो सकता है इसमें कुछ पार्टिसिपेंट्स आप एक्सेस ना कर पा रहे हैं, वो उस समय मौजूद ना हो या कुछ जो भी एक रीजन है, तो ऐसे पॉपुलेशन को इंडिविजुअल्स जो एट प्रेजेंट है जिनको पार्टिसिपेंट्स रिक्रूट कर सकते हैं वो एक्सेसिबल है। एक्सेसिबल मीनिंग मतलब अवेलेबल, और सैंपल उसमें सब सैंपल ड्रॉप हो। तो द रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैंपल, पॉपुलेशन ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ इंटरेस्ट है। सो रिसर्च बिगिंस विद अ जनरल क्वेश्चन अबाउट पॉपुलेशन। हमारा जो जो स्टडी है वो जो रिसर्च क्वेश्चन है वो पूरे पॉपुलेशन के बारे में होता है, उसमें से हमने सैंपल सेलेक्ट किया। ठीक है, सैंपल क्या हुआ, स्पेसिफिक सेट ऑफ इंडिविजुअल्स हु पार्टिसिपेट इन द रिसर्च स्टडी, क्योंकि हम सारे पे स्टडी नहीं कर सकते इसलिए हम एक सैंपल लेते हैं। रिजल्ट्स फ्रॉम द सैंपल आर जनरलाइज्ड टू द पॉपुलेशन। अब आपको सैंपल पे जो भी इंफॉर्मेशन मिली है उसकी सहायता से आप पूरे पॉपुलेशन के बारे में आप रिजल्ट्स को जनरलाइज करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉब्लम एंड, इसीलिए सैंपल का सिलेक्शन बहुत केयरफुली होना चाहिए। बहुत सारी टेक्निक्स है सैंपल के सिलेक्शन की, और जितना एक्यूरेट आपका, एक्यूरेट का मतलब कि जो पॉपुलेशन की विशेषता है वही आपके सैंपल में भी आ रही है। एक इसको इस तरह से समझते हैं, अगर हमारा जो 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 पॉपुलेशन है अगर 60% मेल है और 40% फीमेल है, एक उदाहरण दे रहे हैं, अगर आपका सैंपल भी ऐसा चुना उसमें भी 60% मेल है 40% फीमेल है, तो हम ये कह सकते हैं कि आपका जो पॉपुलेशन है वो सॉरी आपका जो सैंपल है वो एकदम पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक अच्छे सैंपल की विशेषता यही होती है कि सैंपल शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। इसी तरह से अगर आपके सैंपल में रिलीजियस ओरिएंटेशन, अगर आपने देखिए कि हिंदू सपोज 50% है, 40% मुस्लिम है, बाकी 20% अदर्स हैं, तो आपके सैंपल में भी डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरह से होना चाहिए, तभी आपका सैंपल अप्रोप्रिएट माना जाएगा। तो टारगेट पॉपुलेशन हम रहता है कि जो जिनके बारे में रिसर्चर जानना चाहता है और जिनके बारे में इन्फर करना चाहता है। एक्सेसिबल पॉपुलेशन जो पार्टिसिपेंट्स अवेलेबल है जिनको अपनी स्टडी में इंक्लूड किया जा सकता है, और फाइनल सैंपल क्या है, द इंडिविजुअल्स हु आर सिलेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन द रिसर्च स्टडी। सैंपलिंग की जरूरत हमने अभी बताया, सैंपलिंग अगर प्रॉपरली पॉपुलेशन से ली गई है तो कॉस्ट कटिंग हो जाती है, और सैंपलिंग इंक्रीजेस एक्यूरेसी ऑफ द डेटा, आपको क्वालिटी डेटा मिलता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि सैंपलिंग इजियर होती है क्योंकि इसमें लेस स्टाफ लेस इक्विपमेंट इन सब चीज़ों की जरूरत होती है। चूँकि पूरे पॉपुलेशन पर स्टडी नहीं की जा सकती इसलिए हम उसमें से एक छोटा सैंपल लेते हैं।
इम्पोर्टेंट नियम है जिसमें थ्योरी ऑफ सैम्पलिंग बेस्ड है, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी एंड लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर दोनों ही एक दूसरे से संबंधित है। मोटा मोटी जो नियम है वो ये है कि सैंपल का साइज ज्यादा होना चाहिए, कम सैंपल पे स्टडी नहीं कंडक्ट करना चाहिए। सैंपल का साइज जितना अधिक होगा पॉपुलेशन से वो उतना ही रिजेंबल करेगा, तो मॉडरेटली लार्ज सैंपल साइज होना चाहिए। लॉ ऑफ और ये लॉ ये भी कहता है कि अगर सैंपल रैंडम लिया जाए पॉपुलेशन से, रैंडम सैंपलिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, ये हम आगे रैंडम सैंपलिंग में बताएंगे। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यूज कर रहे हैं, रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वी अज्यूम दैट कि जो सैंपल हमने लिया है वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है अगर सैंपल साइज लार्ज है। लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर, ये लॉ दिस इज अ रिजल्ट और सप्लीमेंट टू द लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, कोरोलारी माना जाता है, सप्लीमेंट करता है पहले लॉ को। ये लॉ ये बताता है कि इफ अदर थिंग्स बीइंग इक्वल लार्जर द सैंपल साइज मोर एक्यूरेट द रिजल्ट्स आर, क्योंकि जितना बड़ा सैंपल होगा वो उतना ही रिप्रेजेंट करेगा पॉपुलेशन को और जो रिजल्ट्स हैं जो हमें मिलेंगे उनकी सहायता से हम पॉपुलेशन के पैरामीटर के बारे में हम इन्फ्रेंस लगा सकते हैं। तो आई थिंक इतना चीज क्लियर हुआ होगा, टोटल पॉपुलेशन या टारगेट पॉपुलेशन कितने अवेलेबल है और उसमें से कितने को आपने सैंपलिंग चुना। अब हम सैंपलिंग में के ही चार फीचर्स हैं, मतलब ये सैंपल में ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जानी चाहिए। पहला है रिप्रेजेंटेटिवनेस, जो आपका सैंपल है जिसका एक मिनिएचर वर्जन है, आपका सैंपल जो है पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए, अदरवाइज द रिजल्ट्स ऑब्टेंड विल बी मिसलीडिंग। अगर जैसा हमने भी एग्जांपल दिया कि अगर हमारे टारगेट पॉपुलेशन में 60% मेल है, 40% फीमेल है, 50% हिंदू है, ये तो कुछ इम्पोर्टेंट वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन जैसा उसमें है वैसे ही आपका सैंपल भी होना चाहिए। मतलब आपका जो टोटल पॉपुलेशन है उसका जो हमने छोटा पोर्शन निकाला वो पूरे को रिप्रेजेंट करना चाहिए। दिस इज द पहला एक अच्छे सैंपल की विशेषता में। दूसरा, एडिक्वेसी होनी चाहिए, द साइज ऑफ द सैंपल शुड बी एडिक्वेट अदरवाइज इट मे नॉट रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिवर्स। सैंपल का साइज एडिक्वेट होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। जितना लार्जर सैंपल साइज होगा उतना आपका जो सैंपल है वो आपके यूनिवर्स या पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तीसरा है इंडिपेंडेंस, ये जो विशेषता है ये खास तरह से प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के लिए है, पे एप्लीकेबल है, नॉन प्रोबेबिलिटी पे नहीं है, ये ध्यान में रखना। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या हुआ कि सैंपल शुड बी सिलेक्टेड इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर एंड ऑल द आइटम्स ऑफ द यूनिवर्स शुड हैव द सेम चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन द सैंपल। जैसे आपके IRDM में 40 बच्चे हैं, अगर हम 40 बच्चों में से 15 बच्चों को चुनना चाहते हैं तो इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि 400 बच्चों के हमारे सैंपल में चुनने की चांसेस हैं और जो 15 चुने वो आपके फाइनल में। कहने का मतलब हुआ कि एक यूनिट का सिलेक्शन दूसरे यूनिट के सिलेक्शन को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, इसका उल्टा नॉन प्रोबेबिलिटी में होता है। एक उदाहरण लेते हैं कि अभी हमने राहुल को से पूछा जनमेजय कहाँ है, क्लास क्यों नहीं कर रहा है, जनमेजय आए उससे हमने पूछा कि श्रुति कहाँ है, इस तरह से हमने तीनों को चुना तो तीनों का सिलेक्शन इंडिपेंडेंट नहीं हुआ क्योंकि हमने एक पार्टिसिपेंट से दूसरे के बारे में पूछा, दूसरे पार्टिसिपेंट से तीसरे के बारे में पूछा। तो इस तरह जो है जो तीन यूनिट हमने सेलेक्ट किए, जस्ट एक एग्जांपल है, ये तीनों का सिलेक्शन इंडिपेंडेंट नहीं हुआ।
एक का सिलेक्शन दूसरे से प्रभावित हो जाए। इतना चीज समझ में आई कि नहीं? जैसे मार्केटिंग वाले आते हैं एक प्रोडक्ट दिखाने, ठीक है, एक घर में पहुंचे, अच्छा बहन जी आपके अगल बगल में कोई हो तो जरा उनको भी बुला दीजिए, तो जो उन्होंने हमें हमें सेलेक्ट किया सर्वे के लिए, हमसे दूसरे के बारे में पूछ रहा है, तीसरे के बारे में पूछ रहा है, तो वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हुआ। इसी तरह से अगर हमने पहले से ही सोच के रखा है कि हमें, और ये जो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का एक टाइप आगे हम देखेंगे कोटा सैंपलिंग है, ये मार्केटिंग वाले बहुत यूज करते हैं। भाई आज हमको एक प्रोडक्ट दिखाना है, उसमें हमने सोचा कि हमारे में 60% ओल्ड एज के पॉपुलेशन होंगे, 40% यंगर एज के होंगे। ओल्ड एज को हमने मान लिया कि 40 साल से ऊपर है और कुछ यंग पे करेंगे, तो वो क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट की सर्वेइंग शुरू किया, जैसे ही 60% यंग पीपल सर्वे हो गए तो वहीं पे स्टॉप कर दिया, उसके बाद वो क्या कर रहा है 40% को करा। तो यहाँ पे रैंडम सिलेक्शन नहीं हुआ। रैंडम सिलेक्शन कैसे करते हैं, छोटा सा एग्जांपल हम देते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी 40 आईआरडीएम के स्टूडेंट्स का हम 15 सेलेक्ट करने हैं, हमने क्या किया एक बाउल लिया, उसमें 40 नाम डाल दिए और उसमें से एक एक करके एक चिट 15 चिट उठा ली, और वो 15 हमारे फाइनल हो गए। तो ये रैंडम सैंपलिंग का एग्जांपल। लेकिन अगर हम एक से दूसरे से तीसरे से चौथे तक पहुंच के 15 ले रहे हैं, तो वहां पे क्या हुआ, एक यूनिट का सिलेक्शन दूसरे यूनिट को प्रभावित कर दिया। अगर जनमेजय का मन नहीं है कि राहुल के बारे में बताया तो किसी और के बारे में बता दिया, हो सकता है कि राहुल हमारे फाइनल स्टडी में सेलेक्ट होते लेकिन जनमेजय की वजह से नहीं सेलेक्ट होते। द डिफरेंस इज क्लियर और नॉट? एक पे चिट उठाई, सभी के सिलेक्शन होने के चांसेस है, एक पार्टिसिपेंट का सिलेक्शन दूसरे पार्टिसिपेंट को इन्फ्लुएंस नहीं किया, लेकिन जो अभी एग्जांपल दे रहे हैं उसमें इन्फ्लुएंस करा। ये डिफरेंस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक में एक यूनिट का सिलेक्शन दूसरे यूनिट को प्रभावित नहीं कर रहा है, लेकिन दूसरे में प्रभावित कर रहा है, तो जिसमें प्रभावित कर रहा है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हो गई। सैंपलिंग के टाइप हो गए, कई सारे टाइप आए, अभी आगे हम लोग देखेंगे। इतना चीज समझ में आई कि नहीं? क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस जो है। जब हम रैंडम कर रहे हैं तो हमने 15 चिट्स पिक कर ली, किसको किया क्या किया पता भी नहीं है और सिलेक्शन हो गया। लेकिन बहुत बार क्या है, पार्टिसिपेंट एज सेलेक्ट हुआ, उसके बेसिस पे दूसरा, फिर तीसरा, चौथा एंड सो ऑन। तो ये इसमें पहले वाले केस में जिसमें चिट से किया, उसमें हर यूनिट का सिलेक्शन इंडिपेंडेंट है, किसी भी यूनिट का सिलेक्शन दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, लेकिन इस वाले केस में वो कर रहा है। एंड लास्ट जैसे बताया कि होमोजेनाइटी होनी चाहिए, देयर इज नो बेसिक डिफरेंस इन द नेचर ऑफ द यूनिवर्स एंड नेचर ऑफ द सैंपल। जो भी हम सैंपल ले रहे हैं और जो हमारा टारगेट पॉपुलेशन है, जो यूनिवर्स है, पॉपुलेशन और यूनिवर्स में कंफ्यूजन नहीं होना, यूनिवर्स कहिए चाहे पॉपुलेशन कहिए, बात एक ही है। तो जो भी सैंपल है और जो आपका टारगेट पॉपुलेशन है उसके नेचर में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर हम एक सैंपल से दो सैंपल बनाए 100 पार्टिसिपेंट्स का, तो सैंपल ए का जो मीन एसडी है वही सैंपल बी का भी मीन एसडी होना चाहिए, क्योंकि हमने एक ही पॉपुलेशन से दो सैंपल हमने निकाले हैं। लेकिन अगर इसमें डिस्क्रिपेंसी आएगी तो उसको आगे हम लोग देखेंगे, उसको हम लोग कहते हैं सैंपलिंग एरर। उसको रिड्यूस करने के बहुत तरीके हैं। सैंपलिंग एरर रिफर्स टू even if utmost care has been taken in selecting a sample, the results derived from a sample study may not be exactly equal to the true value of the population. So, us condition mein kya hai? Sampling error ko indicate kar rahi hai. Aur bahut tarike hai sampling error ko control karne ke liye, hum log baad mein dekhenge. तो अगर पॉपुलेशन, अगर हमें सैंपल पे जो वैल्यू मिली उसको अगर हम
पॉपुलेशन की वैल्यू जो ट्रू वैल्यू है अगर वो डिफरेंट है तो उस कंडीशन में क्या है सैम्पलिंग एरर प्रोड्यूस हो रहा है और उसको कंट्रोल करने के कई तरीके हैं, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। सैम्पलिंग एरर दो तरीके के होते हैं, पहला है बायस्ड एरर और दूसरा है अनबायस्ड एरर। और ये एरर जैसा हमने बताया तभी होते हैं कि जब सैंपल जो है आपका ऐसा है कि वो इंटायर पॉपुलेशन को रिफर नहीं कर रहा है। सैंपलिंग एरर का जैसे हमने बताया कि दो दो टाइप होते हैं, बायस्ड और अनबायस्ड। बायस्ड एरर क्या होते हैं? दीज एरर्स अराइज फ्रॉम एनी बायस इन सिलेक्शन एस्टिमेशन। जब सिलेक्शन में जब हम सेलेक्ट कर रहे हैं ठीक है तो उस कंडीशन में सैंपलिंग बायस आता है। जब हमारा सैंपलिंग का सेलेक्ट करने का तरीका जब अगर एप्रोप्रिएट नहीं है तो बायस प्रोड्यूस होता है और इस बायस की वजह से जो है सैंपलिंग एरर प्रोड्यूस होता है। एक एग्जांपल लेते हैं कि इफ इन केस ऑफ सिंपल रैंडम सैंपलिंग डेलिब्रेट सैंपलिंग हैज बीन यूज्ड इन अ पर्टिकुलर केस सम बायस इज इंट्रोड्यूस्ड एंड some bias is introduced is the result and hence such errors are called sampling errors। jaisa humne abhi dusra example diya ki agar hum ek unit ko select kar rahe hain uski sahayata se dusra teesra kar rahe hain jaise non probability sampling ka hamara method hai to usme sampling error ki chances zyada hoti hai kyunki hamara jo sample hai wo population ko represent nahi kar raha isliye नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड जो है हम लोग अपने स्टडी में ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि वो एक्यूरेट रहता है और सैम्पल अगर हम उससे डिराइव करते हैं तो वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अनबायस्ड एरर क्या होते हैं? इट इज़ ड्यू टू चांस डिफरेंस बिटवीन मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन इंक्लूडेड इन द सैम्पल एंड दोज नॉट इंक्लूडेड। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो संयोग वश होता है कि एक पार्टिसिपेंट सेलेक्ट हुआ दूसरा नहीं हुआ उसकी वजह से जो एरर होता है उसको हम लोग कहते हैं अनबायस्ड एरर। सो एन एरर इन स्टैटिस्टिक्स इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ अ स्टैटिस्टिक एंड दैट ऑफ करस्पॉन्डिंग पैरामीटर। तो जो आपको सैंपल से वैल्यू मिली और जो पॉपुलेशन की ओरिजिनल वैल्यू है इनमें अगर मान लीजिए पॉपुलेशन टोटल मेन बीसी पे सपोज 52.52 है और सैंपल से अगर आपको जो मीन मिल रहा है वो 47 है तो जो 3 यूनिट्स का डिफरेंस हुआ वो सैम्पलिंग एरर हुआ। और सैम्पलिंग एरर को हम कम कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं? अगर हमारा सैंपल का साइज इसीलिए सैंपल साइज लार्ज होने के से बहुत फायदे होते हैं। उसमें क्या है कि अगर लार्जर द सैंपल साइज तो उसमें पॉपुलेशन ऑफ सैंपल में कोई डिफरेंस भी नहीं होगा और सैंपलिंग से जो डेटा मिलेगा वो उससे हम जनरलाइजेशन भी पॉपुलेशन के बारे में कर सकते हैं। तो बायस के 3 कारण है, या तो सिलेक्शन में प्रॉब्लम है, faulty work during the collection and faulty method of analysis। तो इन तीनों की वजह से स्टडी में बायस प्रोड्यूस होता है। अगर आपका सैंपल ठीक नहीं है, आपका डेटा कलेक्शन का प्रोसीजर ठीक नहीं है या आपने डेटा एनालिसिस ठीक से नहीं किया है, मीन्स जो स्टैटिस्टिक्स यूज नहीं होनी चाहिए वो यूज हो रही है, तो उस कंडीशन में बायस प्रोड्यूस होगा। तो बायस रिसर्च में आने का एक मेन वजह है अनरिप्रेजेंटेटिव सैंपल। हम लोग ये 3 कारण देखते हैं कि बायस
किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वालिटी प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन कि सिलेक्शन अगर गलत हो रहा है तो किस तरह से बायस प्रोड्यूस हो रहा है। क्वालिटी सिलेक्शन रिफर्स टू डेलिब्रेट सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। अगर सिलेक्शन आपका सही नहीं है, सैंपल अनरिप्रेजेंटेटिव है, तो वो क्वालिटी सिलेक्शन है। क्वालिटी सिलेक्शन कई वजहों से होता है। पहला है सब्सटीट्यूशन ऑफ एन आइटम इन प्लेस ऑफ वन चोजन इन रैंडम सैंपल समटाइम्स लीड टू बायस। अगर आप किसी सैंपल में पार्टिसिपेंट वन चूज हुआ है, उसको हटा के आपने पार्टिसिपेंट टू को डाल दिया, तो उस कंडीशन में यू हैव सब्सटीट्यूटेड वन विद टू, तो सब्सटीट्यूशन की वजह से भी सिलेक्शन गड़बड़ाता है। Non-responsive. If all the items to be included in the sample are not covered, then there may be bias even though no substitution has been attempted. अगर sample representative नहीं है, उस condition में क्या होगा कि जो भी population की विशेषता है आपके sample में included नहीं है और quality selection। तो पहला रीजन हुआ बायस का फॉल्टी सिलेक्शन ऑफ सैंपल। दूसरा क्या है, बायस ड्यू टू फॉल्टी कलेक्शन ऑफ डेटा। अगर आपका डेटा कलेक्शन सही नहीं है तो उस कंडीशन में भी बायस प्रोड्यूस होगा। सो एनी कंसिस्टेंट एरर इन मेजरमेंट विल गिव राइज टू बायस वेदर द मेजरमेंट्स आर कैरीड आउट ऑन अ सैंपल और ऑल यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन। तो बायस किस वजह से होता है डेटा कलेक्शन के समय में, ड्यू टू इम्प्रॉपर फॉर्मुलेशन ऑफ द डिसीजन प्रॉब्लम और स्ट्रॉन्गली डिफाइनिंग द पॉपुलेशन। बायस ऑब्जर्वेशन में रिजल्ट फ्रॉम पुअरली डिजाइंड क्वेश्चनर, इल ट्रेन इंटरव्यूअर और फेल्यूर ऑफ ए रिस्पॉन्डेंट्स मेमोरी। तो ये बायस क्या है, डेटा कलेक्शन के टाइम का है कि जब आपका टूल जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है वो ठीक से डेवलप नहीं है, या जो इंटरव्यूअर है सर्वेयर है वो उसके पास प्रॉपर एक्सपर्टाइज नहीं है। और बहुत बार क्या है कि जो रिस्पॉन्डेंट की मेमोरी है जो उनको जवाब देना है वो ठीक से जवाब नहीं दे पाते हैं। एंड लास्ट इज बायस इन एनालिसिस। Faulty methods of analysis may also introduce such bias. Such bias can be avoided by adopting the proper method of analysis. तो अगर हम गलत statistics use कर रहे हैं, गलत methodology use कर रहे हैं, data की analysis गलत तरीके से कर रहे हैं, तो उस condition में भी bias होता है। और simple way यही है कि random sampling use करना चाहिए, sampling आपका रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए और जो भी रिसर्चर है वो पूरा ट्रेंड होना चाहिए। आप जो भी रिसर्च टीम इंटरव्यू क्वेश्चनर जो भी डेवलप कर रहे हैं, जो भी आप यूज कर रहे हैं, वो थॉरली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, चेक होना चाहिए, रिलायबल और वैलिड होना चाहिए। जैसे हमारे साइकोलॉजी में हम लोग जो भी टेस्ट यूज करते हैं उसका ईच एंड एवरी आइटम इज एनालाइज्ड स्टैटिस्टिकली। अगर मान लीजिए आप सपोज कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे रूरल विलेजर्स का क्या एटीट्यूड है, अगर आप उससे रिलेटेड कुछ एटीट्यूड का सर्वे कर रहे हैं तो कॉन्ट्रासेप्टिव के यूज उससे रिलेटेड जितना भी जो भी प्रॉब्लम है या जो भी मिथ्स जितना एस्पेक्ट है वो सारे आपके क्वेश्चनार या इंटरव्यू शेड्यूल में इंक्लूडेड होना चाहिए। अगर कोई भी कंस्ट्रक्ट है उसके एक दो डायमेंशन आपने ना इंटरव्यू में डाले, या आप अगर सर्वे भरवा रहे हैं क्वेश्चनार है तो क्वेश्चनार भी आपका इनकम्प्लीटली डेवलप्ड है, तो उस कंडीशन में भी बायस प्रोड्यूस होगा। तो सैम्पलिंग एरर को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, सबसे पहला क्या है कि सबसे चीप एंड बेस्ट तरीका है कि सैंपल के साइज को बढ़ा दिया जाएगा। सैंपल साइज जितना ज्यादा होगा सैंपलिंग एरर के चांसेस उतनी कम होंगे। अब सैंपलिंग के कुछ सिद्धांत हैं, इसको बताने के बाद हम जो है टाइप्स ऑफ सैंपल के नाम बता के आज की क्लास यही एंड करेंगे और कल हम एक और क्लास लेंगे। कल का क्या शेड्यूल है ये बताइए।
कलालोक सर और मनोकामना सर का तो क्लास रहेगा एक चीज हम ये बता रहे हैं कि अभी हम 12:30 पे क्लास रोक देते हैं और हम इसके बाद जो मेरी 2 से 3 शेड्यूल्ड क्लास है हम उसको भी इंगेज कर रहे हैं ठीक है हाँ तो आज थोड़ा सा ब्रेक जरूरी है क्योंकि एक तो गर्मी इतनी ज्यादा है और जैसे हम देख रहे हैं एक दिन दो दिन से जैसे 1.25 घंटे की क्लास के बाद जैसे होता है सैंपल के जैसे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या होती है ये पढ़ेंगे कब यूज करना चाहिए ये पढ़ेंगे उसके बाद ये सब इंडिपेंडेंट सिलेक्शन वगैरह बता चुके हैं थोड़ा सा ये इलैबोरेटेड ही है स्लाइड कैसे हम लोग मेथड चूज करते हैं रैंडम सैंपलिंग का सैंपलिंग विद और विदाउट रिप्लेसमेंट टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड्स ये 4 मेथड हम लोग देखेंगे मेनली तो हम क्लास अभी एंड करते हैं थोड़ा सा हम लोग स्लाइड्स भी अरेंज कर लें थोड़ा सा कलर वगैरह